भाई खुशी का माहौल है, मिठाई बंटवा दो, ढिंढोरे पिटवा दो। तो दोस्तों आज पबजी लवर के लिए, पबजी गेम जो स्ट्रीम करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है। जो पबजी, ऐसे तो मैं भी पबजी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीम भी करता था, लेकिन जब से इंडिया में बैंड हो गया तो थोड़ी सी टेक्निक लगाकर यूज करना पड़ता है, लेकिन अभी भी करता हूँ। वैसे पबजी प्लेयर बोले तो पबजी लवर के लिए काफ़ी खुशी की बात है, आपको ऑलरेडी पता चल ही गया होगा क्योंकि आज स्मार्टफोन की ज़माना है तो न्यूज़ दौड़ती है। तो उसी के बारे में बात करने वाले दोस्तों, आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि पबजी न्यू स्टेट, नया गेम फिर से भारत में आने वाला है। इसके रजिस्ट्रेशन बोले तो प्री रजिस्ट्रेशन दोस्तों इस गेम की, पबजी न्यू स्टेट की जो प्री रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट कर दी गई है, उससे ही पता चलता है कि किस देश में इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, उसी के अनुसार उस देश की गवर्नमेंट उसे अलाउ करती है। ये गेम एंड्रॉयड और iOS के लिए, दोनों के लिए आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये गेम जो पबजी न्यू स्टेट है, एंड्रॉयड और iOS दोनों वालों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। और दोस्तों अगर इसकी स्टोरी और थीम की बात करें तो ये पबजी के जैसा ही बैटल रॉयल की आपको इसको इसमें देखने को स्टोरी मिल लेगी। और दोस्तों इसके मैप वगैरह थोड़ा सा डिफरेंट, पबजी से थोड़ा सा डिफरेंट आपको इसमें देखने को मिलेगा, और स्किन वगैरह, कार, बाइक, ये सब ये जो थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंस यानी कि आज के मॉडर्न युग का आपको थोड़ा सा इसमें देखने को मिलने वाला है। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग और डिफरेंट आपको इसमें देखने को, थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिलने वाला है। बिकॉज इसके रजिस्ट्रेशन अभी शुरू हुए हैं तो ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि इसका पब्लिशर क्रॉप्टन है और क्या ये इंडिया में आ सकता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात, ये भारत में आ सकता है क्योंकि ये दोस्तों क्योंकि टेंसेंट कंपनी चीन की है, इससे आपको इस गेम की कोई लेना देना नहीं है। एक क्रॉप्टन कंपनी के है जिसका पेरेंट, पबजी का पेरेंट कंपनी इसको माना जाता है। और दोस्तों जैसे मैं आपको फ्री फायर के बारे में बता दे तो जेनेरिया है, तो इसका थोड़ा सा अलग है। क्रॉप्टन जो है साउथ कोरिया का है जो आपको पबजी का पेरेंट कंपनी माना जाता है। वैसे इससे चीन से आपको इससे टेंसेंट कंपनी से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए दोस्तों ये भारत में आ सकता है। जैसे में जिनेरिया भी है तो ये थोड़ा सा चीन से कुछ संबंध है इसका, इसलिए अभी भारत में बैन नहीं है और चल भी रहा है। पबजी, पबजी न्यू स्टेट, ये थोड़ा दोस्तों आपको न्यू गेम है वो नहीं मत समझ लेना दोस्तों, जो अपने इंडिया में भारत में बैन है वो पबजी नहीं है, ये न्यू गेम है। तो अगर कानूनी तौर पे देखा जाए दोस्तों ये न्यू गेम है, उस पबजी से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये इंडिया में आ सकता है क्योंकि अभी इसका प्री रजिस्ट्रेशन जो है थोड़ा सा अभी स्टार्ट हुआ है, अभी इस पर बातचीत होगी और बातचीत होने के बाद दोस्तों जब इसकी लॉन्च की जाएगी तो सरकार से इसकी मंजूरी भी दी जा सकती है। तो दोस्तों मेरा ओपिनियन है, कहना है कि ये भारत में आ सकता है क्योंकि इसका जो भारत सिर्फ चीन की कंपनी जो है उसको बैन किया है और सभी देश का जो है वो अभी फिलहाल चल रहा है, तो इसका भी आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है दोस्तों, ये अपने भारत देश में आ सकता है, सरकार इसकी मंजूरी दे सकती है। तो दोस्तों इस गेम में स्पेशल क्या होने वाला थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बात बता दें आपको, ये थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होने वाला है, वो फ्री फायर के जैसा नहीं, वो बेकार सा फ्री फायर उसके जैसा नहीं है। पबजी में थोड़ा सा आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। ये जैसे मैं फ्यूचर की बात करें तो 2051, जैसे मैं भी 2021 चल रहा तो ये 2051 के अनुसार ये गेम बनाया गया। इसमें आपको थोड़ा सा एडवांस्ड कार, बाइक वगैरह, आपको स्किन थोड़ा सा अपनापन की तरह लगने वाला है, जैसे मैं हम लोग इंडियन और भी जैसे इंडिया में गाड़ी लोग होते हैं उसके लिए आपको इस गेम में थोड़ा सा थीम स्टोरी जो है उसके आधार पर आपको देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों जैसे आपको पबजी में घर, जंगल, बिल्डिंग्स वगैरह और कार जो थे वो सब आपको इसमें देखने को थोड़ा सा कम मिलने वाला है, इसमें आपको बिल्डिंग्स ज़्यादा देखने, जैसे हम लोग पबजी मैप में स्कूल पे उतरते थे, स्कूल एक मैप में एक स्कूल जगह है वहाँ पे उतरकर हम लोग फाइट करते हैं, तो दोस्तों स्कूल के जैसा बिल्डिंग है तो इसमें भी उससे भी ज़्यादा बड़ा 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 बिल्डिंग आपको देखने को मिलने वाला है। जंगल और पेड़ पौधा तो है ही,
लेकिन आपको बिल्डिंग वगैरह इसमें देखने को ज़्यादा मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि इसमें थोड़ा सा एडवांस्ड आपको देखने को मिलेगा, जैसे में कि आप ड्रोन से हमला करवा सकते हो, एडवांस आपको गन मिलने वाली है, आपको बाइक जो है थोड़ा सा एडवांस, जैसे में अभी धीरे धीरे अपने कंपनी सब लोगों ने एडवांस करना स्टार्ट कर दिया था, जैसे में 2010 में कुछ और था, 2020 में कुछ और है, 2050 में कुछ और होगा, उसके हिसाब से दोस्तों गेम में भी आपको डाला गया है एडवांस बाइक कार वगैरह ग्रेनेड, आपको आपको ड्रोन से हमला इसमें कराया जाएगा, बहुत सारा वैसा जो है एडवांस आपको इस गेम में देखने को मिल सकता है। आपको इसमें एडवांस वॉरफेयर के जैसा दिखाने वाला है। मैंने तो बता दिया कि पेड़ पौधे बिल्डिंग्स वगैरह ये जो है वो तो आम बात है, थोड़ा सा मैप में वो रहेगा ही पबजी के जैसा, लेकिन इसमें थोड़ा एडवांस की बात है तो आपको जैसे में हम आगे जैसे जैसे अपने देश में हैं तो अभी थोड़ा सा गन से हाथ से फाइट करते हैं, कुछ दिन के बाद ये दोस्तों थोड़ा सा वैसा बन जाएगा कि हम लोग ड्रोन से भी हमला करवा सकते हैं, तो उस टाइप पे गेम आधारित होए और ये आपको देखने को इस गेम में इस स्टोरी में पबजी न्यू स्टेट के स्टोरी में आपको थोड़ा सा न्यू देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों इसका स्टोरी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, मैंने थोड़ा सा इसका जो टीजर है वो मैंने देखा है, मैं वीडियो में दे दूंगा लिंक में तो आप भी देख लेना। थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा इसमें अच्छा लगा जो फ्री फायर को काफ़ी पीछे छोड़ने वाला, फिर से तहलका मचाने वाला दोस्तों आकर। तो दोस्तों अभी फिलहाल बात हो रही है प्री रजिस्ट्रेशन जो अभी फिलहाल करेंगे उनको इस गेम में, आपको जैसे फ्री फायर में चाहे पबजी में आप खेलते थे तो आपको बाय करना पड़ता था स्किन पक्स और वगैरह बहुत सी गन्स और ये सभी जो आपको खरीदने पड़ते, बाद में पैसे पे करने पड़ते हैं उसको खरीदने के लिए। तो इसमें दोस्तों जो अभी प्री रजिस्ट्रेशन करेगा इस गेम के लिए उसको आपको फ्री में पक्स वगैरह और स्किन, थोड़ा सा एडवांस स्किन आपको मिलेगा और गन वगैरह जो है आपको परमानेंटली, आपको जो भी प्री रजिस्ट्रेशन करेंगे उसको परमानेंटली उस गेम में मिलने वाला है। आपको एक कोड दिया जाएगा उसके अनुसार उसमें आप डालकर वाई कर सकते थे फ्री में, जो अभी प्री रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसे तो मैं डाल दिया हूँ, आपको भी डालना है तो डाल सकते हैं। तो ऐसे भी चीज़ों के ऊपर बात हो रही है अभी कंपनी के द्वारा और अभी थोड़ा सा इस पर बहुत चर्चा की जा रही है। तो दोस्तों बहुत चांसेस है कि ये दोस्तों पबजी लवर यानी पबजी गेम स्ट्रीम करने वालों के लिए काफ़ी अच्छा चांस भी है, जो लोग पबजी में काफ़ी दिल लगा कर बैठे हुए थे, पबजी जानने के बाद उनको काफ़ी दुख हुआ, किसी न किसी तरह वो पबजी को स्ट्रीम कर रहे हैं, जैसे मैं भी कर रहा हूँ अभी, थोड़ा सा वो इनलीगल है फिर भी मैं कर रहा हूँ। तो आपको दोस्तों बहुत काफ़ी खुशी होगी इस गेम को आने के बाद, आपको उस पबजी से ज़्यादा एडवांस आपको इसमें देखने को मिलने वाला है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी आपको इसमें मिलने वाला है। तो दोस्तों ये मैं भी थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ कि ये भारत में आ जाए और काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि भारत में आ ही जाएगा। तो दोस्तों आप लोग प्री रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो कर सकते हैं जाकर, इसमें कोई उसके अनुसार ही डेवलपर उसको तैयार करे और गवर्नमेंट भी अपने देश में अलाउ करे कि इस देश से कितने लोग जो हैं इस गेम को पसंद कर रहे हैं, तो चांसेस बन रहे कि भारत में आ जाएगा। काफ़ी अच्छा गेम है दोस्तों, एक्साइटेड है हम जब से टीजर देखें तो काफ़ी लगता है कि इस गेम में थोड़ा सा स्ट्रीम करें। अब जो दोस्तों पुराने वाले पबजी है उसके आने के चांसेस बहुत कम ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अगर वो पबजी अगर वापस आता तो सोशल मीडिया पे ढिंढोरे नहीं पिटवाए जाते कि पबजी न्यू स्टेट जो है वो आने वाला है। ये दोस्तों उस पबजी और इस पबजी में कोई ऐसा संबंध नहीं है, ये दोस्तों एक दूसरे देश के साउथ कोरिया और वो थोड़ा सा चीन से रिलेटेड था, तो दोनों में आसमान ज़मीन का फर्क है। वो पबजी अब कभी लगता वापस आने वाला नहीं है, किसी न किसी तरह लोग खेल रहे हैं, कोई ऐसा इनलीगली खेल रहे हैं लेकिन नहीं खेलना चाहिए। अगर ये पबजी न्यू स्टेट अपने भारत में आ जाता तो काफ़ी है खुशी होगी पबजी गेम लवर के लिए, मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट है कि आ जाए और जल्दी से हमें भी स्ट्रीम करो।